सिंचना चौप, तुम लोगों ने कोई सोचा कि हम लोग ने इसको मारना कैसे है? अरे यार हमें इसको तो सिर्फ और सिर्फ मेरा अनलिमिटेड ड्रैगन ही मार सकता है। सिंचन यार मारने का तो पता नहीं मगर नीचे फेंक सकता है। अरे वैसे तो हम लोग नीचे नहीं फेंक रहे थे, इसका बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा यार। हाँ यार चौप, इसका बॉस तो वाकई में बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, क्योंकि गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले कमांडर को भी यहाँ से नीचे फेंक के मार दिया था, मगर तभी रेप्टाइल्स म्यूटी का बॉस यहाँ पे आ गया था और उसने यार गाइस सब कुछ देख लिया था और तभी वो यहाँ पे लेकर आ गया अपने दूसरे कमांडर को, जिसको मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अरे मुश्किल नहीं, यहाँ इम्पॉसिबल है यार। हाँ यार चौप, वाकई में इसको मारना इम्पॉसिबल है। अरे यार हामिदा, मगर मेरा अनडिफीटेड ड्रैगन इसको मार देगा। सिंचन यार ये क्या घंटा मारेगा, ये तो खुद हवा में खड़ा हुआ है। अरे वाकई में लगता है कि ड्रैगन डर चुका है यार। चौप यदि कौन सा स्टाइल है खड़े होने का? अरे यार हामिदा मेरा ड्रैगन बहुत ज्यादा बड़ा है, हामिदा इसको खड़े होने में दिक्कत हो रही है। सिंचन यार वाकई में ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। और अगर आप लोग देख रहे हो कि ये किस तरह खड़ा हुआ है? अरे ये तो अपने पाँव पे खड़ा नहीं, हमने परों पे खड़ा हुआ यार। अरे यार चौप, मेरा ड्रैगन अपने परों के ऊपर खुद खड़ा होता है। सिंचन यार पाँव पे खड़े होने का सुना था, मगर तेरा ड्रैगन तो परों पे खड़ा हुआ है। मगर यार सिंचन ये जीत तो जाएगा ना? अरे हाँ हामिदा, ये हम लोग को पक्का जितवा देगा। मगर यार सिंचन जी वाला कमांडर अनडिफीटेड है, इसने हम लोग के सारे यूनिट्स को मार दिया है, मगर अभी तक हम लोगों ने अपने अनडिफीटेड ड्रैगन को ट्राई नहीं किया। अरे हाँ हामिदा, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ये हम लोग को पक्का जितवा देगा। मगर यार सिंचन मैं तो बोल रहा हूँ कि हम लोग को इसके ऊपर वेपन्स को भी लगाना चाहिए। अरे नहीं यार हामिदा, वेपन्स की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हामिदा मेरा अनडिफीटेड ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ठीक है यार सिंचन, मुंह से आग तो बहुत ज्यादा निकल रही है, मगर यार सिंचन हम लोगों ने इस वाले कमांडर को नीचे नहीं फेंकना, अगर तो ये वाला कमांडर नीचे चला गया ना, फिर रेप्टाइल्स की मिट्टी का बॉस हम लोग का कभी भी साथ नहीं देगा, उल्टा वो भी गोर्जा के साथ मिलकर हमारे कैसे के ऊपर कब्जा कर देगा। अरे नहीं यार हामिदा, हम लोग इस वाले कमांडर को यहीं पे डिफीट करेंगे। ठीक है यार सिंचन, हम लोग यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। तो अगर ड्रैगन तो सिंचन का यहाँ पे आ चुका है, काफी ज्यादा बड़ा, इसको खड़े होने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हम लोग यहाँ पे कैमरा को करके बैटल को स्टार्ट करके देखते हैं कि ये वाला ड्रैगन यहाँ पे जीत पाता है कि नहीं। तो आकाश जी आप लोग देख रहे हो, अगर तो यहाँ पे दीवार ना होती ना, तो ये वाला कमांडर यहाँ पे पक्का नीचे करके मर जाता, मगर ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं है। सिंचन का अनडिफीटेड ड्रैगन यहाँ पे मर गया। हम लोग इसकी हेल्थ देखते हैं, तो इसकी तो हेल्थ बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई। और अब इसको मारने का एक ही तरीका, इसको नीचे फेंकना पड़ेगा यार। नहीं यार चौप, इसको हम लोग नीचे नहीं फेंक सकते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी एक कमांडर को नीचे फेंका था और तुझे तो पता है कि उसके बाद हम लोग के साथ क्या हुआ। अरे यार अब उसके बाद ये वाला दूसरा कमांडर आ चुका यार। मगर यार चौप, जो पहले वाला कमांडर यहाँ पे नीचे गिर गया, अगर उसको हम लोग अपनी बाथरूम में लगा दे चौप, तो फिर हो सकता है कि वो हम लोग की टीम के अंदर आ जाए। अरे मगर हम लोग उसको लेके कैसे आएंगे, वो तो नीचे गिर गया था यार। अरे यार हमें मेरा ड्रैगन उसको ले आएगा। चौप यार उसको नीचे से सिर्फ और सिर्फ सिंचन का ड्रैगन ही लेके आ सकता है, क्योंकि अगर ड्रैगन के पास विंग्स होते हैं, ड्रैगन जब नीचे जाएगा तब यहाँ पे पहले वाला कमांडर आ सकता है। और अगर मुझे तो लगता है कि पहले वाला कमांडर इसको मार देगा। अरे वो तो ठीक है, मगर रेप्टाइल के बॉस ने हम लोग को बोला था कि ये वाला कमांडर पहले से ज्यादा खतरनाक है यार। चौप यार उसकी बातों पे ज्यादा गौर मत कर, रेप्टाइल को यार चौप रेप्टाइल ही मार सकता है। अरे मगर मेरे पास एक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक रेप्टाइल है यार। हाँ यार चौप रेप्टाइल चाहिए होगा हम लोग को, क्योंकि अगर इस वाले क्रोकोडाइल को सिर्फ और सिर्फ रेप्टाइल ही मार सकता है, बाकी तो हम लोग के सारे बड़े यूनिट्स यहाँ पे मर चुके हैं। अबे यार चौप ये तो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। अरे यार मैं बहुत ज्यादा अपग्रेड करके लाया उसको यार। चौप यार वाकई में ये वाला प्रोसेसर तो बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि जी हम लोग को यहाँ पे पक्का जितवा देगा। मगर गाइस मुझे शक्ल से वाइल्ड बोर्ड लग रहा है। अरे वाइल्ड बोर्ड नहीं, वैसे जिसके दांत वाइल्ड बोर्ड वाले हैं यार। हाँ वैसे यार चौप ये जीत तो जाएगा ना, और पक्का जीतेगा, रेप्टाइल को रेप्टाइल मार सकता है यार। चौप यार मुझे भी यही लगता है। मगर यार सिंचन तो अपने ड्रैगन को यहाँ पे नीचे भेज दे, ताकि हम लोग यहाँ पे पहले वाले कमांडर को लेकर आ जाए और फिर हम लोग उसको अपनी बातों में करके इस वाले कमांडर को यहाँ पे मारने वाले हैं। उसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपने मेरा ये वाला क्रोकोडाइल बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। चौप यार दिखने में तो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम लोग इसको ट्राई करके देखते हैं। मुझे तो लगता है ये यहाँ पे पक्का जीत जाएगा, मगर ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक सेकंड से पहले पहले मर गया ये। मेरे पास बहुत ज्यादा है, सारे के सारे क्रोकोडाइल को यहाँ पे खड़ा करूंगा यार। हाँ यार चौप यही करना पड़ेगा, सारे के सारे क्रोकोडाइल्स को यहाँ पे खड़ा कर दे, कोई ना कोई तो यार गाइस यहाँ पे पक्का जीतने वाला है। अरे यार हाँ यार चौप के क्रोकोडाइल्स के पास ज्यादा पावर्स तो है नहीं। सिंचन यार लगता तो मुझे भी ये तो यार गाइस बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं कि चौप के ये वाले क्रोकोडाइल यहाँ पे जीत पाते हैं कि नहीं। अरे वो सारे के सारे क्रोकोडाइल यहाँ पे मर गए यार। और यार चौप इन लोगों ने किसी भी एक प्रोसेसर को भी नहीं मारा। वैसे यार सिंचन एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे तेरे एंडर ड्रैगन को ट्राई करके देखते हैं। अच्छा ठीक है दया, मैं यहाँ पे अपने एंडर ड्रैगन को लेकर आ जाता हूँ। फाइनली सिंचन का एंडर ड्रैगन यहाँ पे आ चुका है, साइज में ये काफी ज्यादा छोटा है, मगर गाइस इसके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं। हम लोग इसको ट्राई करके देखते हैं गाइस, मुझे तो लगता है कि ये हम लोग को यहाँ पे पक्का जितवा देगा। अरे लगता तो मुझे भी यही है यार, मगर यार चौप ऐसा हुआ नहीं, सिंचन का एंडर ड्रैगन भी यहाँ पे मर गया। हम लोग यहाँ पे इसकी हेल्थ देखते हैं, तो गाइस नहीं ऐसे ये नहीं मरेगा, मुझे तो लगता है गाइस हम लोग को सिंचन के अनडिफीटेड ड्रैगन के ऊपर वेपन्स को लगाना चाहिए, फिर हो सकता है कि ये यहाँ पे मर जाए। अरे यार हामिदा, मगर मेरा अनडिफीटेड ड्रैगन तो यहाँ पे नीचे गया हुआ है। हाँ वैसे यार सिंचन उसको यहाँ पे एक दफा वापस आने दे, फिर हम लोग देखेंगे कि ये वाला कमांडर ज्यादा स्ट्रांग है या इससे पहले वाला कमांडर ज्यादा स्ट्रांगर था। अरे वो तो ठीक है, मगर अभी हम लोग क्या करेंगे यार। चौप यार मेरे पास एक और बहुत ज्यादा खतरनाक यूनिट है, हम लोग उसको ट्राई करके देखते हैं। अरे यार हामिदा ये क्या चीज है। सिंचन यार ये हम लोग का बहुत ही ज्यादा खतरनाक टीरेक्स है। अरे यार हामिदा, मगर दिखने में तो गोर्जा जैसा है। सिंचन यार दिखने में गोर्जा जैसा है, मगर यार सिंचन इसके पास बहुत ज्यादा पावर है, तो देख रहा है कि सामने कितने ज्यादा टीएनटी लगे हुए हैं। मुझे तो लगता है गाइस हम लोग का ये वाला टीरेक्स हम लोग को यहाँ पे जितवा देगा। अरे वो तो ठीक है, इसका नाम क्या यार। चौप यार इसका नाम टीएनटी टीरेक्स है, तू देख रहा है इसकी बॉडी के अंदर भी कितने ज्यादा टीएनटी लगे हुए हैं। अरे ये तो सुसाइड करके मर जाएगा यार। अबे नहीं यार चौप मरेगा नहीं, ये सारे के सारे
उसको मारने वाला चॉप। अरे यार हामिद भाई, ये वाला यूनिट तो बहुत ज्यादा ओपी है। अरे यार सिंचर, ये बहुत ज्यादा ओपी है। अभी जैसे ही मैं बैटा को स्टार्ट करूंगा, ये वाला टीएनटी यहाँ पे फट जाएगा। और जी एक टीएनटी यहाँ पे फट गया, उसके बाद ये सारे के सारे टीएनटी यहाँ पे फट जाएंगे। और मुझे तो लगता है ये वाला कमांडर अभी यहाँ पे बचेगा नहीं। अरे यार हामिद, प्लान तो बहुत ज्यादा ओपी है, लगता है कि हम लोग जीत जाएंगे। सिंचर यार, अभी तक तो मुझे भी ये लगता था बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देख रहे हो कितना बड़ा धमाका हो गया यहाँ पर, और इसके ऊपर भी टीएनटी लगे हुए थे, तो इसको तो यहाँ पे मरना ही था। मगर ये मैं क्या देख रहा हूँ, इसको तो कुछ भी नहीं है। वो हम लोग इसकी हेल्थ देखते हैं। अरे भाई इसकी तो बिल्कुल भी हेल्थ खत्म नहीं हुई यार। नहीं यार चौप, ये पक्का मरेगा, तू एक सेकंड रुक जा। तो गाइस मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने टीएनटी टीरेक्स को हम लोग यहाँ पे खड़ा करें, और एक टीएनटी टीरेक्स को हम लोग खड़ा करेंगे यहाँ पर, और दूसरे टीएनटी टीरेक्स को हम लोग खड़ा करेंगे यहाँ पर। अभी यार गाइस आप लोग देख रहे हो कि इस वाले क्रोकोडायल के ऊपर कितने ज्यादा टीएनटी आ चुके हैं। अभी तो इसको मरना पड़ेगा। अरे इसको अभी तो मरना पड़ेगा, अभी बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है यार। यार चौप, हम लोग कितनी ज्यादा ट्राई कर रहे हैं इसको मरने की, मगर गाइस ये मरने का नाम नहीं ले रहा। मगर गाइस मुझे लगता है कि अभी ये पक्का मरेगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि कितने ज्यादा टीएनटी इसके ऊपर आ चुके हैं। इतना बड़ा यार गाइस यहाँ पे धमाका होगा कि ये वाला कमांडर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। तो यार गाइस बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अरे भाई घंटा धमाका हो रहा, गेम लैग कर रहा यार। हाँ वैसे यार चौप, गेम तो यहीं पे रुक गया। मगर यार गाइस ये आप लोग देख रहे हो फाइनली यहाँ पे ब्लास्ट हो चुका है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। तो यार गाइस हम लोग के टीएनटी टीरेक्स यहाँ पे मर चुके हैं, मगर यार गाइस ये अभी भी यहाँ पे बच गया। बाकी तो सारी की सारी आर्मी यहाँ पे मर गई, और आप लोग देख रहे हो इसकी कितनी थोड़ी सी हेल्थ खत्म हुई है। अरे भाई ये टीएनटी टीरेक्स बहुत ज्यादा काम की चीज है यार। हाँ वैसे यार चौप, ये बहुत ज्यादा काम के, क्योंकि तो देख रहे हैं यहाँ पे सारी की सारी आर्मी मर गई, सिर्फ एक प्रोसेसर बस बचा है। अंदर भी सारे के सारे साइबर और क्रोकोडाइल्स भी मर चुके हैं, बच्चा तो जाएगा सिर्फ ये बचा है। अरे भाई इसकी तो दिक्कत हो रही है, कभी भी मर नहीं पाएगा यार। नहीं यार चौप, हम लोग को इसको मारना ही होगा। तो गाइस फाइनली यहाँ पे ग्लेडिएटर आ चुका है, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अरे भाई दिखने में तो स्कॉच लग रहा है यार चौप। यार स्कॉच तो लग रहा है, मगर इसका नाम ग्लेडिएटर है। और तू देख रहा है इसके पीछे विंग्स भी लगे हुए, साथ में बहुत ज्यादा आर्मर है। मुझे लगता है गाइस ये हम लोग को जितवा देगा, क्योंकि इसका साइज भी छोटा है और इसके पास पावर भी बहुत ज्यादा होती है। बैठा को स्टार्ट करके देखते हैं गाइस ये हम लोग को यहाँ पे जितवा पाता है कि नहीं। अरे हम लोग को कोई भी जितवा नहीं सकता यार। बाकी में यार चौप ये तो अनडिफिटेड है, पता नहीं गाइस अब इसको कौन सा यूनिट यहाँ पे मार पाएगा। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताओ कि हम लोग यहाँ पे ऐसा कौन सा यूनिट खड़ा करें जो कि इसको मार सकेगा। अरे यार हमें इसको कोई भी नहीं मार पाएगा, क्योंकि हमें ये तो अनडिफिटेड है। नहीं यार सिंचर, कोई तो ऐसा यूनिट होगा जो इसको मार सकता है। तू एक सेकंड रुक जा, मेरे पास एक और बहुत ज्यादा खतरनाक यूनिट है। तो यार गाइस ये आप लोग देख रहे हो, इसका नाम है द ग्रेट बर्नर। अरे बाकी में ये तो बहुत ज्यादा जल रहा है यार। हाँ यार चौप, तभी इसका नाम द ग्रेट बर्नर है। और तू देख रहा है इसकी टेल कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी आकाश में आपको सबसे ज्यादा खतरनाक चीज दिखाने वाला हूँ। एक खतरनाक चीज तो इसके ये वाले हाथ हैं। अरे यार हाँ भैया इसके तो छह हाथ हैं। हाँ यार सुन, इसके छह हाथ हैं, मगर अभी मैं तुझे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज दिखाने वाला हूँ। तो आकाश जी आप लोग देख रहे हो। अरे मैं यही मैं क्या देख रहा हूँ, इसका मुंह तो उल्टा यार। हाँ यार चौप, इसका उल्टा मुंह है। अरे मैं बहुत ज्यादा खतरनाक यूनिट लग रहा है, मैं देख के डर लग रहा है यार। हाँ यार चौप, देख के तो मुझे भी डर लग रहा है, मगर यार चौप लगता है कि ये हम लोग को यहाँ पे जितवा देगा। अरे यार हाँ भैया मुझे भी ये लगता है कि ये हम लोग को पक्का जितवा देगा। मगर यार सिंचर एक सेकंड, हम लोग ऐसा एक यूनिट नहीं खड़ा करेंगे, हम लोग यहाँ पे ऐसे ढेर सारे यूनिट्स को खड़ा करने वाले हैं, क्योंकि यार गाइस कोई ना कोई तो हम लोग को यहाँ पे पक्का जितवा देगा। मगर मैं एक और चीज सोच रहा था कि यार गाइस यहाँ से मुझे अपने दो यूनिट्स को रिमूव करना होगा, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। क्योंकि यार गाइस मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं यहाँ पे अपने दो यूनिट्स को खड़ा कर दूँ, देखते हैं कि हम लोग की ये वाली आर्मी यहाँ पे जीत पाती है कि नहीं। अरे मैं कोई भी नहीं जीत पाएगा, मैं ये अनडिफिटेड है यार। बाकी में यार गाइस इतना ज्यादा खतरनाक यूनिट मैंने कभी नहीं देखा। हम लोग के सारे यूनिट्स को ये धीरे धीरे मारते जा रहा है। अरे यार हाँ भैया लगता है कि पुराना वाला कमांडर इसको मार देगा। मगर यार सिंचन पुराना वाला कमांडर है कहाँ पर। अरे यार हाँ भैया उसको लेने मेरा अनडिफिटेड ड्रैगन चला गया है। सिंचन यार जल्दी बुलाओ उसको, मुझे तो लगता है कि गाइस इन लोग का पहले वाला कमांडर इसको मार लेगा, क्योंकि उसको भी हम लोग का कोई भी यूनिट हरा नहीं सकता था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे इस वाले रूम के अंदर से गन्स को निकाल के इसके पहले वाले कमांडर को तो मार दिया। मगर गाइस अभी तो ना ही हम लोग के पास गन्स हैं, और ना ही हम लोग के पास यहाँ पर लाइफ है। अरे हाँ हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, मगर मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक यूनिट है यार। चौप यार दिखा कौन सा यूनिट है तेरे पास, क्योंकि गाइस कोई ना कोई ऐसा यूनिट तो जरूर होगा जो कि इस वाले क्रोकोडाइल को यहाँ पे मार सकता है। मगर एक सेकंड गाइस ये आप लोग देख रहे हो कि हम लोग के हीट बढ़ने का यहाँ पे क्या हाल हो चुका है। अरे वहाँ दिखने में बहुत ज्यादा भयानक लग रहा है यार। हाँ यार चौप वाकई में दिखने में भयानक लग रहा है, क्योंकि यार गाइस ये तो यहाँ पे मर चुका है। अभी हम लोग चौप का यूनिट देखते हैं। चौप यार ये तो मुझे दिखने में कोई रोबोट लग रहा है। अरे आना मैका स्पाइडर है यार, क्या बात कर रहा है चौप, ये स्पाइडर है क्या। अरे आना बहुत ज्यादा खतरनाक स्पाइडर है, पक्का हम लोग को जितवाएगा यार। हाँ यार चौप इसके पाँव भी यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंट है, आप लोग देख रहे हो गाइस कितना ज्यादा ओपी रोबोट बनाया चौप ने। इसके ऊपर हम लोग वेपन्स को देखते हैं। तो गाइस ये आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मिसाइल लॉन्चर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे मिसाइल लॉन्चर्स लगे हुए हैं, इसके ऊपर यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर है, और गाइस यहाँ पे लगा हुआ है प्लाज्मा कैनन। अरे यार हाँ भाई चौप का स्पाइडर तो बहुत ज्यादा ओपी है। सिंचन यार वाकई में दिखने में तो मुझे भी बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है, मगर यार सिंचन इस वाले क्रोकोडाइल को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम लोग यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। अरे मेरा स्पाइडर तो यहाँ पे मर गया यार। हाँ यार चौप इसको मरना ही था, एक काम करके यहाँ पे अपने ढेर सारे स्पाइडर को खड़ा कर दे, क्या पता है कोई ना कोई स्पाइडर यहाँ पे जीत जाए। अभी तो मैं पक्का जीतूंगा यार। ठीक है चौप, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग जीत जाए, मगर गाइस हम लोग पता नहीं क्यों यहाँ पे जीत नहीं पा रहे हैं। अरे यार हाँ भैया इसको हम लोग कैसे मारेंगे, हाँ भैया ये तो कभी भी नहीं मरेगा। सिंचन यार मरेगा, पक्का मरेगा, एक दफा बस यहाँ पे हम लोग को पहले वाला कमांडर मिल गया ना, फिर हम लोग इसको मार सकते हैं। अरे यार हाँ भैया मेरा ड्रैगन इसको
को ले आया। मगर यार संजय कहाँ पर है? अरे यार हाँ मैं वो तो यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो यार गाइस ये आप लोग देख रहे हो इन लोग का पहले वाला कमांडर यहाँ पे आ चुका है। और यार गाइस बिलीव मी ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। हम लोग का कोई भी यूनिट इसको मार नहीं पाया था। तो तभी हम लोग संजय के डिफीटेड ड्रैगन को यहाँ पे बुला के इस वाले कमांडर को नीचे फेंक दिया था। और अभी यार कैसे यहाँ पे वापस आ चुका है वो तो ठीक है, मगर हम लोग की टीम के अंदर नहीं है यार। जॉब इसको समझाना पड़ेगा तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। हम लोग यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाने आए हैं। मेरी कौन सी असलियत है? तुम्हें तो याद होगा कि तुम इस वाले मिलिट्री बेस के कमांडर थे। और अभी देखो तुम्हारी जगह कौन खड़ा हुआ है, ये कौन आ चुका है मेरे मिलिट्री बेस के अंदर। अरे यार कमांडर ये वाला मिलिट्री बेस अब तुम्हारा नहीं रहा, ये वाला मिलिट्री बेस अभी इसका हो चुका है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पे वापस आया हूँ। तुम यहाँ पे वापस खुद नहीं आए, तुम्हें यहाँ पे वापस हम लोग का अनडिफीटेड ड्रैगन लेकर आया है। हाँ मुझे पता है, मुझे नीचे भी उसी ने गिराया था और अभी मुझे यहाँ पे भी वही लेकर आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने तुम्हारी जान बचाई है। तुम सही कह रहे हो, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुमने इस वाले कमांडर को मारना होगा। मैं रेप्टाइल्स मिलिट्री बेस का एक्स कमांडर हूँ और मैं कभी भी इस वाले कमांडर के ऊपर अटैक नहीं करूंगा। मगर शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हें हम लोगों ने बचाया है और रेप्टाइल्स मिलिट्री का बॉस भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया था। और तुम नीचे गिर के मरने के बहुत ज्यादा करीब थे, तभी मैंने तुम्हारे पास अपने अनडिफीटेड ड्रैगन को भेजा था और तुम यहाँ पर आ चुके हो। हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे बचाने कोई भी नहीं आया था और अगर तुम लोग ना होते तो मैं मर जाता। तो फिर तुम एक काम करो कि इस वाले क्रोकोडाइल को यहाँ पे मार दो। ठीक है मैं रेप्टाइल्स मिलिट्री से बदला लेने के लिए तैयार हूँ। अरे हाँ ये जीत तो जाएगा ना सिंचन। यार ये वाला कमांडर भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे लगता तो है कि यार सिंचन ये जीत जाएगा क्योंकि तुझे तो पता है कि हम लोग इसको भी नहीं मार पाए थे। अरे हाँ हम दे इसको तो हम लोग ने यहाँ से नीचे फेंक दिया था सिंचन यार। मगर अभी हम लोग की टीम में आ चुका है, देखते हैं गाइस ये हम लोग को यहाँ पे जितवा पाता है कि नहीं। मुझे इससे बहुत ज्यादा उम्मीद है। और गाइस बिलीव मी ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, मगर ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे ये तो दोबारा नीचे चला गया यार। अबे यार गाइस जहाँ से आया था वहाँ वापस चला गया सिंचन। यार जल्दी से अपने अनडिफीटेड ड्रैगन को यहाँ पे नीचे भेज और इस वाले क्रोकोडाइल को यहाँ पे वापस लेकर आ जा। अच्छा ठीक है हमें तो यार मैं अपने ड्रैगन को यहाँ पे नीचे भेजता हूँ। मगर गाइस ये वाला कमांडर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी तो हेल्थ भी खत्म नहीं हुई। कोई तो तरीका होगा इसको मारने का। अरे ये कभी भी नहीं मरेगा, हमें इसको मारना इम्पॉसिबल है यार। हाँ वैसे यार चौप अभी मुझे भी यही लगता है। कोई बात है, जब हम लोग अपने कैसे के अंदर जाते हैं और वहां जाके हम लोग गोर्जा को मारते हैं। ये तो गाइस पता नहीं कैसे मरेगा। तो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।